जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन या क्वेरी? मैम आप क्लास में यूनिवर्सिटी में ले रही हैं? नहीं बेटा, आप लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं? आप लोग आना चाह रहे हैं क्लास में? मैम अपना माइक काइंडली करीब करें, आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताएं कि आप लोग कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड कितने स्टूडेंट्स हैं, हैंड रेज करें जो क्लास लेने आना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस क्लास के लिए। ठीक है मैम, फुल तो नहीं वैक्सीनेटेड। लेकिन क्या बेटा? सिर्फ एक डोज लगी है। एक डोज लगी है। चलें, जिनकी एक डोज है उनकी सेकेंड डोजेस की डेट आने ही वाली होगी ना, दोबारा सेकेंड डोज भी लगी जाएगी। चलें, अच्छा अब ऐसे है कि हम देखते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो है ना ऑन कैंपस भी कर लेंगे, साथ ऑनलाइन भी कर लेंगे। ठीक है मैम, नेक्स्ट तो सेकंड लास्ट लेक्चर है ना जो फ्राइडे को आप लोगों का लेक्चर होगा वो? ठीक है, उसमें फिर अगर कोई स्टूडेंट्स आना चाहते हैं तो फिर वो ऑन कैंपस आ जाएं, लेकिन वो वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स हों, कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हों, उनके पास उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो, अदरवाइज मैंने आने नहीं देना क्लास में। ठीक है मैम, नेक्स्ट ट्यूजडे हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे। बेटा नेक्स्ट ट्यूजडे क्लास होगी, इंशाल्लाह आपकी लास्ट हो जाएगी, यहाँ आपके दो लेक्चर्स रह गए, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल्स कैसे शेड्यूल करना है। मैम क्योंकि मेजॉरिटी जो है वैक्सीनेटेड कंप्लीट नहीं है, तो फिर प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे? हाँ मैं यही कह रही हूँ कि अभी इसीलिए प्रैक्टिकल्स अभी नहीं करते, दो एक आधा वीक निकाल लेते हैं कि बच्चों के पास वैक्सीनेशन का टाइम हो, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में प्रैक्टिकल्स रखते हैं। ओके मैम, और मैम काइंडली हमें आज मिड का सिलेबस भी बता दें। ठीक, बाकी टीचर्स ने बता दिए बच्चों सिलेबस? नो मैम, मैम सिर्फ एक मैम ने बताया। बच्चों असल में अभी मिड्स का कंफर्म नहीं है ना कि ऑन कैंपस है या ऑनलाइन है, तो इस वजह से सिलेबस पे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगी आपको इस वीकेंड तक। ठीक है? यस मैम। चलें ठीक है, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम बोल ही नहीं रही ज्यादा। बेटा मैं अभी लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, 2 मिनट वेट कर लें। जी पिछले लेक्चर में बच्चों हमने लेजर स्टार्ट की थी, आवाज अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेजर स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लेजर की जनरल प्रॉपर्टीज देखी थी, उसकी प्रोडक्शन देखी थी और कितनी टाइप्स की होती है हमारे पास। सेमीकंडक्टर डायोड होती है, रूबी लेजर होती है हमारे पास, और हीलियम नियॉन लेजर्स होती हैं, वो हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि हम डोजेज के क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे डोजेज फिक्स कैसे करते हैं, डोजेज मेजर कैसे करते हैं लेजर की, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं। अगेन मैं बता रही हूँ कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स यानी कि इंडिकेशंस, आपसे पूछा जाए कि इंडिकेशन बताएं या थेरेप्यूटिक इफेक्ट बताएं, दैट इज द सेम थिंग, और कौन सी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं। डोजेज के इसके पैरामीटर्स में हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, हमें वेवलेंथ पता होनी चाहिए, पावर आउटपुट पता होना चाहिए, एनर्जी, पावर डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी, इन चीज़ों के फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज सिंपल होते हैं, बेसिकली हर जो इंस्ट्रूमेंट है या जो मोडालिटी हमारे पास होती है उसकी हमें पीछे से पावर सप्लाई का भी पता है कि कितनी पावर सप्लाई लेगी या फिर हमने उसको कितनी वॉट की पावर देनी है। ये सारी चीज़ें अक्सर जो है जो मोडालिटीज है मशीन्स हैं उसके ऊपर मेंशन होती हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द लेजिंग मीडियम यूज, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ हम रूबी लेजर कर रहे हैं तो उसकी क्या वेवलेंथ है। ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कौन सा मटीरियल है उसकी क्या वेवलेंथ है, वो डिपेंड करते हैं उस मटीरियल पे। फॉर सुपरफिशियल कंडीशंस लाइक वुंड्स एंड अल्सर्स विजिबल लेजर इज यूज्ड। सुपरफिशियल कंडीशंस जो स्किन की कंडीशंस हैं, वुंड्स अगर कोई सुपरफिशियल वुंड है या अल्सर्स हैं उसके लिए अगर हम लेजर यूज कर रहे हैं तो वो विजिबल लेजर प्रेफरेबली यूज करते हैं। डीपर कंडीशंस के लिए फॉर एग्जांपल मसल्स हैं या बोन्स का पेन है या मस्कुलर पेन है उसके लिए हम इंफ्रारेड लेजर को प्रेफर करते हैं। क्लस्टर प्रोब लेजर हैविंग सेवरल डायोड्स आर यूज्ड फॉर लार्जर एरिया ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं, ये होते हैं क्लस्टर प्रोब लेजर, इसमें सेवरल डायोड्स होते हैं, इसमें पॉइंट काफी सारे पॉइंट से आपको लेजर इमेट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट इमेटर होता है इसकी तरह, सिंगल एप्लीकेटर है, इसमें से इस पॉइंट से लेजर इमेट होती है। ठीक है, ये सिंगल पॉइंट है, इसमें से क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स काफी सारे, यहाँ पे एक पूरा क्लस्टर है लेजर का जहां से क्लस्टर प्रोब एमिटर में से वो इमिट होंगी। फॉर लार्जर एरियाज आप इसको प्रेफर करते हैं, एंड फॉर स्मॉलर एरियाज ऑब्वियसली सिंगल एप्लीकेटर को।
पावर, द पावर आउटपुट इज मेजर्ड इन वॉट्स. ये तो हमें पता है कि पावर आउटपुट जो होती है वो वॉट्स में मेजर करते हैं, लेकिन हम लेजर बीम के लिए बहुत थोड़ी सी पावर आउटपुट हमें चाहिए होती है. थेरेप्यूटिकली जो हमने फिजियोथेरेपी में यूज करनी है, तो उसकी जो पावर है वो हम मिली वॉट्स में मेजर करते हैं. ठीक है, सिंस द पावर आउटपुट ऑफ लेजर बीम यूज थेरेप्यूटिकली इज क्वाइट स्मॉल, सो मिली वॉट्स इज जनरली यूज. Moreover, the percentage of power output is sometimes used, that is 10, 20, 30% of the total power output. जितनी भी power पीछे से power supply हमें आ रही है, हमें उसमें से थोड़ी सी milliwatts में power चाहिए, क्योंकि हमने जो laser का हमारा setup है, जो therapeutically हमने laser beam apply करनी है, उसको बिल्कुल थोड़ी सी ही power required होती है. Energy, the energy delivered to the treatment tissue is expressed in joules. It is calculated by the following equation. ठीक है, energy की equation, ये वही physics वाली equation है. We always know कि energy क्या होती है. Energy is power into time. Power का unit है watts, time का unit होता है second, energy का unit होता है joules. Joules is basically watts into seconds. Sometimes when the energy required for the treatment of a particular tissue is known, the power output is available, then the total treatment time can also be कैलकुलेटेड. अगर इसमें इस इक्वेशन में से दो चीजें हमें पता है, हमें ये पता है कि पावर आउटपुट हमें इतनी चाहिए, ठीक है, और एनर्जी जो है इस टिश्यू को इतनी रिक्वायर्ड है जाउल्स में, तो हम उससे उसका टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, थर्ड हम कैलकुलेट कर लेंगे. पावर डेंसिटी, या पावर डेंसिटी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पावर डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी वो चीजें हैं जिससे जिससे डोजेज कैलकुलेट करते हैं. पावर डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज, पावर डेंसिटी डिक्रीजेज एज द एरिया बिटवीन द टिप ऑफ द एप्लीकेटर एंड द पार्ट टू बी ट्रीटेड इंक्रीजेस. जो एप्लीकेटर है और जो हमारी स्किन है या जो भी पार्ट हमने ट्रीट करना है, उनके बीच में एरिया इंक्रीज करते जाएंगे तो पावर डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, सिंपल एज दैट, कि अगर आप एप्लीकेटर को स्किन से दूर लेके जाते जाएंगे तो उसकी पावर डेंसिटी लेजर की डिक्रीज होती जाएगी. पावर डेंसिटी का भी फॉर्मूला है, दैट इज इंसिडेंट पावर ओवर एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर. एनर्जी डेंसिटी, अब एनर्जी डेंसिटी जो होती है ये आपकी डोजेज है. ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, अगेन पावर पता हो हमें, टाइम पता हो कितने टाइम के लिए अप्लाई करनी है, कितनी मिली वॉट हमें पावर चाहिए, और एरिया कितना है जिसे हमने ट्रीट करना है इन सेंटीमीटर स्क्वायर. द डोजेज इन लेजर थेरेपी इज कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी अप्लाइड विच इज एक्सप्रेस्ड इन जाउल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या है? जाउल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और उसको मेजर किस तरह करते हैं? पावर, टाइम और एरिया हमें पता हो तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. और एनर्जी डेंसिटी, लेजर थेरेपी के लिए एनर्जी डेंसिटी ही डोजेज होती है. ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ लेजर विद द बॉडी टिश्यूज. लो इंटेंसिटी लेजर्स आर यूज्ड थेरेप्यूटिकली फॉर देयर नॉन थर्मल इफेक्ट्स. प्रेफरेबली लो इंटेंसिटी लेजर्स यूज की जाती हैं. नॉन थर्मल इफेक्ट्स मतलब कि वो हीट प्रोड्यूस नहीं करें. ठीक है, कोई हीट अप या कोई जो है बर्न स्किन का या कोई हीट प्रोड्यूस नहीं करें लो इंटेंसिटी लेजर्स. Visible radiations are remarkably absorbed in the hemoglobin, whereas infrared light is strongly absorbed by water. ठीक है, जो आपकी visible radiations होती हैं, जो emit हो रही होती है emitter से, ये आपके hemoglobin में absorb हो जाती हैं, और जो infrared light होती है ये water strongly absorb करता है infrared light को. Absorption results in the transformation of energy in the body tissues. अब ये absorb होती हैं, ये visible radiation, laser की, infrared radiations, ये सारी, तो उसके बाद आपकी body tissues में energy में changes आते हैं. Human body consists of 70% water and 30% of organic material. The organic material which absorbs visible light contains chromophores. अब क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमोफोर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स विच गेट एक्साइटेड बाय द विजिबल स्पेक्ट्रम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन. जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो क्रोमोफोर्स जो हैं वो एक्साइट हो जाते हैं. उनका इस तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है क्रोमोफोर्स का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो हीमोग्लोबिन है या मेलानिन कंटेनिंग क्रोमोफोर्स होते हैं, ये इन पे जब आपकी इंफ्रारेड या विजिबल लाइट इन पे एनर्जी आउटपुट इनको मिलती है, ठीक है, तो फिर इनमें चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस जो होते हैं फिर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस फर्दर बेनिफिशियल होते हैं
जो हमारे रिक्वायर्ड हमें उसके इफेक्ट्स चाहिए बाय अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ लेजर, तो वो डिजायर्ड इफेक्ट फिर हमें मिल जाते हैं. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ लेजर. अब इसके बेसिकली हमारे पास 4-5 मेजर यूजेस हैं. एक वोंड हीलिंग, देन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्कार टिश्यू, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, बोन एंड आर्टिकुलर कार्टिलेजेस. वोंड हीलिंग में अब वन बाय वन करके देख लेते हैं इन सबको. वोंड हीलिंग में हमारे पास के लेजर थेरेपी इज नाउ डेज बींग इफेक्टिवली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वोंड्स. वोंड्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए लेजर थेरेपी बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रही है. हीलिंग ऑफ वोंड्स इज थॉट टू एक्सेलरेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ लेजर. क्यों यूज हो रही है, वोंड्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि वोंड्स की हीलिंग जो है वो बेटर हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, फास्टर हो रही है बाय द एप्लीकेशन ऑफ लेजर. तो वोंड्स को जल्दी हील करवाने के लिए लेजर अप्लाई कर सकते हैं. इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कीमोटैक्टिक एक्टिविटी. वोंड हीलिंग का अब जो प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. कीमोटैक्टिक एक्टिविटी क्या होती है, कीमोटैक्सिस कहते हैं डायरेक्शनल माइग्रेशन ऑफ सेल्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल ग्रेडियंट. कि आपके जो सेल्स हैं और जो सेल्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, सेल्स का सारा मटेरियल है, वो एक केमिकल ग्रेडियंट बना के एक रिस्पॉन्स में मूव करना. ठीक है, जो आपके सेल्स हैं उनका मूव करना किसके रिस्पॉन्स में, केमिकल ग्रेडियंट के रिस्पॉन्स में. दिस इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस. वैस्कुलर चेंजेस होते हैं वोंड हीलिंग में, हमें पता है. एक कीमोटैक्सिस यूं आप समझ लें कि केमिकल एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे, वैस्कुलर चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे, ब्लड की सर्कुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं. वोंड जहाँ पे होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव करती है तो वोंड हीलिंग फास्टर होती है. ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ऑक्सीजन आती है और डेब्रिस वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है. तो रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी वोंड की हीलिंग में हेल्प करती हैं. रेडिएशंस पार्टिकुलरली फ्रॉम द रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आर फाउंड इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक अल्सर्स. क्रॉनिक अल्सर्स जो होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं फ्रॉम द रेड स्पेक्ट्रम, दैट आर वेरी इफेक्टिव. Both untreated chronic ulcers as well as the trophic ulcers can be very effectively treated by laser therapy. Untreated chronic ulcers जिनकी पहले treatment नहीं हुई है और chronic हैं काफ़ी अर्से से जो ulcers develop हुए हुए हैं, and trophic ulcers. Trophic ulcers कहते हैं septic ulcers को. Septic ulcers मतलब जो infected हो गए हैं, जिनमें कोई bacterial growth या viral growth, fungal growth, कोई किसी भी तरह का कोई, ठीक है, infection स्टार्ट हो गया, वो सेप्टिक अल्सर को ही ट्रॉफिक अल्सर कहते हैं. लेजर थेरेपी इंक्रीजेस टिश्यू प्रोलिफरेशन एंड थस एनहांसेस वोंड हीलिंग कॉज्ड ड्यू टू बर्न, सर्जिकल इंसिजंस, डायबेटिक अल्सर्स एंड प्रेशर सोर्स. बल्कि नहीं, सॉरी बच्चों, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज. ट्रॉफिक अल्सर्स जो है आपके प्रेशर अल्सर्स को कहते हैं. हाँ, सेप्टिक अल्सर्स और होते हैं, ट्रॉफिक अल्सर्स कहते हैं जो आपके प्रेशर अल्सर्स होते हैं, जो प्रेशर पॉइंट्स पे अल्सर बन जाते हैं. ठीक है, जो आपकी स्किन के ऊपर या किसी भी जगह पे प्रेशर पॉइंट्स की वजह से अल्सर बनते हैं. ठीक है, तो प्रेशर सोर्स हैं, प्रेशर अल्सर्स, डायबेटिक अल्सर्स हैं, सर्जिकल इंसीजंस हैं, जो सर्जिकल कट्स होते हैं. ठीक है, वो कट्स बाद में जाहिर है हील करना होता है उन कट्स ने, उन सब की हीलिंग के लिए जो है लेजर बहुत ज़्यादा यूजफुल है. Both direct contact or grid method as well as scanning method is effectively used for healing of wounds. Direct contact भी हमने दो methods देखे थे पिछले lecture में, कि हम laser की application के हम direct contact भी करवा सकते हैं, light contact. ठीक है, hardly press नहीं करना applicator, skin पे एक light सा contact भी हो सकता है direct method में, या grid method होता है जिसे हम grid method कहते हैं, या फिर scanning method होता है जिसमें हम 5-10 millimeter का डिफरेंस रखते हैं बिटवीन द एप्लीकेटिंग हेड एंड स्किन. दोनों मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं वोंड हीलिंग के लिए. वोंड मार्जिन्स आर इफेक्टिवली ट्रीटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टेक्निक. वोंड के जो मार्जिन्स होते हैं, जो आपका वोंड के दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एक वोंड के मार्जिन्स हैं यानी कि उसके बिल्कुल साइड्स हैं कि वोंड है, और एक उसका सेंटर वाला जो पार्ट होता है वोंड का, उसको वोंड बेड कहते हैं.
ठीक है, कि वूंड बेड है, अंदर से जख्म है, ये जो उसके मार्जिन्स हैं, साइड्स हैं उसकी, उसको वूंड मार्जिन्स कहते हैं। ये भी ट्रीट कर सकते हैं आप बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टेक्निक। इसके लिए भी क्या है कि द लेजर प्रोब इज यूजली अप्लाइड एट 1 to 2 centimeter फ्रॉम द एजेस। इसमें भी आपने ये नहीं किया कि लेजर को डायरेक्ट उसके मार्जिन पे अप्लाई किया, डायरेक्ट मेथड आपने यूज करना है, लेकिन आपने लेजर को अप्लाई करना है थोड़ा सा, बिल्कुल 1 to 2 centimeter, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस होता है मार्जिन या एजेस जो हैं वूंड के उससे उसकी साइड्स पे। ठीक है, डोजेज क्या रखनी है फॉर दिस पर्पस, डोजेज इज 4 to 10 joules per centimeter square। ये जाउल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में डोजेज हमारी एनर्जी डेंसिटी की यूनिट है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी है जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वूंड बेड इज प्रेफरेबली डन बाय नॉन कॉन्टेक्ट मेथड। अब वूंड मार्जिन हमने देख ली कि उसकी साइड्स में यूज करना है, और वूंड बेड जो होता है उसके लिए हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड यूज नहीं करते, उसके लिए हम स्कैनिंग मेथड को प्रेफर करते हैं। द डोजेज फ्रॉम 1 to 5 joules per centimeter square इज सफिशियंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वूंड बेड। अब इसमें डोजेज हम देख रहे हैं कम यूज किए, पिछले दफा जो हमने वूंड के मार्जिन के लिए है वो 4 to 10 joules यूज कर सकते हैं, और जो हम वूंड बेड के लिए यूज कर रहे हैं without contact that is 1 to 5 joules per centimeter square. The low dosages are usually sufficient because the protective layer of dermis is absent in this area. अब low dosage क्यों prefer की जा रही है wound bed के area पे, क्योंकि wound है उसके ऊपर कोई skin नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर जो skin की layer थी वो damage हो चुकी है, skin की layer जो extra हमें protection दे रही थी against any laser or against any kind of radiation, तो वो लेयर अब नहीं है एपिडर्मिस और डर्मिस की, तो इस वजह से डायरेक्ट जब ट्रीटमेंट होनी है लेजर से तो थोड़ी सी लो डोज हम यूज करेंगे ऑन द वूंड बेड। टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्कार टिश्यू, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टिश्यूज ट्रीटेड विद लेजर थेरेपी इज मोर देन द नॉर्मली हील्ड वंस। जो नॉर्मली हील हो रहे हैं आपके स्कार टिश्यूज, ठीक है, और फिर कुछ टिश्यूज हैं आपके जिनको आप ट्रीट करते हो लेजर थेरेपी से फिर वो हील करते हैं, तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटर होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि हमने अभी पहले ही देखा है कि जब हम लेजर अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाती है आपकी रिपेयरिंग का प्रोसेस, वूंड्स का, स्कार्स का इंक्रीज हो जाता है, और वहां पे एक्स्ट्रा फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन मेकिंग सेल्स, वो सारे सेल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू कीमोटैक्सिस, तो इस वजह से वहां पे ज्यादा कोलेजन डिपॉजिट हो जाता है अगर आप लेजर यूज करते हैं। The tensile strength is directly related to the increased level of collagen. और tensile strength किससे related होती है किसी भी tissue की, कि उसमें कितना ज़्यादा collagen है। Collagen synthesis and thus the tensile strength are fibroblast mediated functions which are improved significantly by the treatment of laser. Also the wounds exposed to laser therapy have more epithelialization and less exudate formation. जो वूंड्स हम फिर ट्रीट करें हैं लेजर से वो इस तरह भी बेटर हैं, क्योंकि वहां पे एपिथीलियम जो है वो ज्यादा बेटर डेवलप कर जाती है। ज्यादा एपिथीलाइजेशन क्या हो गया, एपिथीलाइजेशन कहते हैं एपिथीलियल लेयर के डेवलप करने को, और एक्सुडेट फॉर्मेशन वहां पे लेस होती है। जो एक्सुडेट जो वहां से पे फ्लूइड सा बनता है किसी भी वूंड से, किसी भी अल्सर में, तो वो फ्लूइड जो है वो कम बनता है, लेस एक्सुडेट फॉर्मेशन। Hence they have less scar tissue formation with a better cosmetic appearance. तो फिर क्या एक फायदा ये भी हो जाता है कि जब scar tissue और exudate ज्यादा नहीं आएगा तो फिर scar tissue less बनता है। scar मतलब वो जो निशान किसी भी wound के बाद निशान रह जाता है, scar रह जाता है, तो उसकी better cosmetic appearance होती है अगर wound को आप laser से treat करते हैं, तो उसकी better cosmetic appearance है। Musculoskeletal conditions, the laser therapy is found to be very effective in various overused tendinitis or bursitis conditions. Tendinitis is the inflammation of tendon and bursitis is the inflammation of bursa. ठीक है, अब tendon, tennis elbow, golfer's elbow, इसमें आपकी elbow के areas में medially or laterally pain होता है due to inflammation of the ligaments. ठीक है, and tendons, inflammation of tendons. Supraspinatus tendinitis, ये आपका supraspinatus जो आपके shoulder में होता है एक muscle, supraspinatus, उसका tendon जो है वो अक्सर वो भी tender हो जाता है, उसका भी overuse है या फिर impinge हो गया है कहीं से, तो supraspinatus tendinitis हो सकते हैं। इन cases में भी laser therapy
बहुत इफेक्टिव है. ऑल्सो द लेजर थेरेपी इज फाउंड इफेक्टिव इन सम एक्यूट कंडीशंस लाइक एंकल स्प्रेन. एंकल स्प्रेन हो गया है उसकी कंडीशन में भी बहुत यूजफुल है लेजर एज इट इन्हांसेस द हीलिंग प्रोसेस एंड रिलीव्स पेन. क्यों यूजफुल है? क्योंकि हीलिंग प्रोसेस को इन्हांस करता है या वहाँ पे मीडिएटर्स आते हैं केमिकल मीडिएटर्स और वहाँ से वहाँ उस जगह की वैस्कुलरिटी इंक्रीज हो रही है पेन रिलीफ हो रहा है. वेरियस अर्थराइटिक कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस एंकाइलोजिंग अर्थराइटिस पायोजेनिक अर्थराइटिस एक्सेट्रा आर बेनिफिटेड बाय द यूज ऑफ लेजर थेरेपी. और काफ़ी सारी आपकी जो अर्थराइटिक कंडीशंस हैं वो सारी लेजर थेरेपी से बेनिफिट होता है इन कंडीशंस में. पायोजेनिक अर्थराइटिस अब कहते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस को. ठीक है, पायोजेनिक मीन्स सेप्टिक अर्थराइटिस जिसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है आपके जॉइंट्स के अंदर, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है. Musculoskeletal conditions, laser has its effect on prostaglandin synthesis and thus it relieves inflammation. Inflammation ko bhi subside karne mein laser ka major role hota hai. Laser is found to be very effective in the healing of connective tissues and thus is effective in the treatment of various arthritic conditions. Ye hum pehle dekh chuke hain. Laser therapy has bactericidal effect because of increased phagocytosis by leukocytes. बैक्टीरियाइडल इफेक्ट क्या होता है? जिसमें बैक्टीरिया को किल करते हैं. तो लेजर का बैक्टीरियाइडल इफेक्ट होता है कि बैक्टीरिया किल करता है. कैसे किल करवाता है? कि जो फैगोसाइटोसिस होती है, जो बैक्टीरिया है कोई भी फॉरेन बॉडीज है उसको ईट करने का प्रोसेस होता है बाय द ल्यूकोसाइट्स. ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है बैक्टीरिया है उनको इंगल्फ कर लेते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है बाय द यूज ऑफ लेजर थेरेपी. इसीलिए लेजर का बैक्टीरियाइडल इफेक्ट भी है. व्हेन यूज इन कंजक्शन विद एंटीबायोटिक्स लेजर थेरेपी इज फाउंड इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस. के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं कोई भी, तो उनमें एंटीबायोटिक्स के साथ साथ अगर लेजर थेरेपी भी यूज की जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है. These were the musculoskeletal conditions. Now, pain relief क्या है? कि laser therapy is found effective in relieving pain, both acute as well as chronic. Acute pain को relief करने में भी और chronic pain को relief करने में भी laser का बहुत effective हमें effect मिलता है. Acute pain, as in the ankle sprain, is relieved by laser by reducing swelling and enhancing the healing process. Many musculoskeletal pains, as in fibrositis or trigger pains, are relieved by the application of laser on trigger points or acupuncture points, acupressure points. अब बहुत सारी conditions हैं. अब fibrositis उन्होंने कहा है इसमें हम use कर सकते हैं. Fibrositis होती क्या है? नीचे हमने उसकी definition लिख दी है कि fibrositis is the pain or inflammation of the muscle sheets, muscles, connective tissue layers of joints, bones, tendons, muscles. यानी कि basically आपकी जो muscular sheets हैं या जो connective tissues हैं आपके joints के, muscles के, bones के, tendons के साथ, ठीक है, उनमें कहीं आपके pain या inflammation है तो उसको कहते हैं fibrositis. ठीक है, तो fibrositis के pain के लिए laser use करते हैं. Trigger pain होते हैं. ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं? ट्रिगर पॉइंट्स ये होते हैं कि आपकी बॉडी में कोई पॉइंट ऐसे पेशेंट में बन जाते हैं कि जब आप उस पॉइंट को प्रेस करते हैं तो पेशेंट का पेन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, पेन ट्रिगर हो गया. पहले पेन इतना नहीं था, उस पॉइंट को आपने प्रेस कर दिया तो पेन बहुत ज्यादा ट्रिगर होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है. ठीक है, और इसी तरह एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं. ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी इनको कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं ट्रिगर पॉइंट्स और ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स जिन पे प्रेशर अप्लाई करने से पेन स्टार्ट हो जाता है. तो वहां पे भी लेजर अप्लाई करके उन पॉइंट्स को काम डाउन कर सकते हैं उनका पेन रिलीफ करने में. इन पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस आल्सो द लेजर इज फाउंड इफेक्टिव इन द एनहांस्ड हीलिंग प्रोसेस एंड थस रिड्यूसिंग पेन. पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में भी अब लेजर जो है बहुत इफेक्टिव है, हीलिंग प्रोसेस इंक्रीज करती है और पेन रिड्यूस करती है. आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है लेज़र का यूज़ स्टार्ट हो गया. फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑपरेटिव जो गाइनी के पेशेंट्स होते हैं या कोई भी किसी की भी सर्जरी हुई है उसमें जो स्टिचेस लगते हैं, बाद में स्टिचिंग कर दी है, ठीक है, उन स्टिचेस की हीलिंग के लिए उस एरिया की
लेजर थेरेपी की जाती है, फिर ये होता है कि कॉस्मेटिक अपेयरेंस भी अच्छी आती है, उस स्टिचेस का स्कार नहीं बनता, बहुत लाइट सा स्कार बनता है, फेड हो जाता है इजीली ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लेजर, और हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो लेजर बहुत ज्यादा यूज की जाती है पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में। एनल्जीजिया इज अचीव्ड इन सर्टेन न्यूरोजेनिक कंडीशंस आल्सो, और सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसमें पेन फ्री कंडीशंस हमें चाहिए तो एनल्जीजिया भी अचीव हो सकता है। पेन ड्यू टू ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया इज फाउंड टू बी रिलीव्ड बाय लेजर थेरेपी। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया पेन होता है ड्यू टू द ट्राइजेमिनल नर्व, आपके फेस के एरिया में पेन होता है, बहुत ज्यादा सेवेयर किस्म का इम्पिंजिंग पेन होता है, पेशेंट एकदम शाउट करता है, ठीक है, एकदम से स्टार्ट हो जाता है उसके फेस के एरिया में। ट्राइजेमिनल नर्व फेस की सेंसरी सप्लाई है, उसको कहते हैं पेन को ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के केस में भी लेजर थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है पेन रिलीफ के लिए। स्टडीज ऑन सुपरफिशियल मीडियन और रेडियल नर्व कंडक्शन वेलोसिटी हैव शोन अ डिक्रीज इन सेंसरी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी बाय अ लो इंटेंसिटी लेजर। अभी भी रिसर्च और स्टडीज जो हैं लेजर पे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पे, इन सारी चीजों पे कंटिन्यू हो रही हैं क्योंकि इनका आहिस्ता आहिस्ता यूज बढ़ता जा रहा है। अब ये स्टडीज में देखा गया है कि जो मीडियन नर्व या रेडियल नर्व है, जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी होती है कि नर्व जो है वो इम्पल्स को जिस स्पीड से कंडक्ट कर रही है उसको कहते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, तो वो लो हो जाती है बाय द यूज ऑफ लो इंटेंसिटी लेजर, डिक्रीज हो जाती है। कैसे? और उसके डिक्रीज होने का यही मतलब है कि पेन की जो कंडक्शन है वो स्लो हो जाएगी। बोन एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज, स्टडीज ऑन द इफेक्ट ऑफ लेजर ऑन बोन्स एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। ठीक है, ये स्टडीज इंक्रीज होती जा रही है कि बोन पे क्या इफेक्ट है लेजर का, आर्टिकुलर कार्टिलेज पे क्या इफेक्ट है। It has been found that the longer duration of low power laser helps in fracture healing and bone remodulation. ये fracture healing में, bone remodulation में जो है आपके पास laser का बहुत अच्छे effects आ रहे हैं कि longer duration of low power laser, हम laser जो use कर रहे हैं low power के साथ use कर रहे हैं, most of the laser low power ही होती हैं, ठीक है, fracture healing में और बोन की दोबारा से रीमॉड्यूलेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इट हेल्प्स इन कॉन्ड्रल प्रोलिफ्रेशन, कॉन्ड्रल कहते हैं बच्चों कॉन्ड्रोसाइट्स या फिर आप कह लें कार्टिलेज से रिलेटेड जो होते हैं, और कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज होती है बोन का या किसी भी बोन के ज्वाइंट्स की जो सर्फेस होती है वहां पर कार्टिलेज आ जाती है ताकि वो इलास्टिसिटी आ सके बोन में ज्वाइंट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा कार्टिलेज कहाँ पे होती है, आपकी नोज में कार्टिलेज है, आपके एयर में कार्टिलेज है, ठीक है, और आपकी जॉइंट सर्फेसिस पे कार्टिलेज होती है। तो कार्टिलेज की प्रोलिफ्रेशन कॉन्ड्रल प्रोलिफ्रेशन एंड रीमॉडलिंग ऑफ द आर्टिकुलर लाइन, आपकी जो जॉइंट की आर्टिकुलर सर्फेस होती है उसकी रीमॉडलिंग, इन सब में लेजर के इफेक्ट्स हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं और स्टडीज स्टिल कैरिंग ऑन। It has also been found useful for the treatment of non-union of fractures. Dangers or contraindications क्या हैं? अब हमारे पास के effects on eyes, effect on cancerous growth, effect on pregnant uterus, effect on infected tissues and hemorrhagic areas and cardiac conditions. आईज के एरिया में ऑब्वियसली हम जितनी भी मोडालिटीज देख चुके हैं, चाहे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं या चाहे लेजर रेडिएशन है, वो आईज के एरिया में हम अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि आईज जो है इसमें हमें पता है कि आईज के अंदर वाटर का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है, और जब वाटर कंटेंट जिस एरिया में ज्यादा है वहां तो ये रेडिएशन वैसे ही बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद आपके रेटिना को डैमेज कर देती हैं। ठीक है, तो आईज पे हमेशा जब भी आपने ये लेजर थेरेपी करनी है किसी पेशेंट की या किसी पेशेंट के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अप्लाई करने हैं तो आपने उसके आईज को कवर कर देना है गॉगल्स के साथ, और बेटर ये होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट अपनी आईज को भी कवर रखे। द मेन डेंजर ऑफ लो पावर लेजर थेरेपी इज द रिस्क ऑफ आई डैमेज इफ द बीम इज अप्लाइड डायरेक्टली इन टू द आई। सो टू अवॉइड द एक्सपोजर ऑफ आई विद द बीम ऑफ लेजर, protective goggles should be worn by the patient as well as the physiotherapist. Effects on cancerous growth, the laser should not be applied over the area of cancerous growth. ab hum jitna pad chuke hain hame khud se samajh aa jani chahiye kyunki
क्यों नहीं अप्लाई करना है? क्योंकि लेजर जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे ज्यादा ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है सेल्स की, ठीक है, हीलिंग में या फिर रिमॉडलिंग में, बोन की फ्रैक्चर हीलिंग में, हर चीज में ज्यादा ग्रोथ और प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो रही है. तो कैंसरस एरिया में आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि कैंसर क्या है, पहले ही ओवर ग्रोथ हो रही है, आपका ट्यूमर बन रहा है सेल्स की, ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है. तो वहां पे फर्दर मैम, लेकिन उसमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कैंसरस ग्रोथ और यहाँ पे अप्लाई नहीं करना? बेटा हमें कैसे पता लगेगा? पेशेंट से आपने पूछना है ना कि उसे कोई ट्यूमर या कैंसर तो नहीं है. अब अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिनको कोई कैंसर होता है तो उनको बेसिकली पता होता है, नहीं तो पेशेंट की कंडीशंस होती हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं. जब आप वार्ड में ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर आप के पास ना येलो फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स, ये सारी चीजें आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में पढ़ेंगे. अब रेड फ्लैग का वो पेशेंट होता है जिसको आपने ट्रीट नहीं करना होता, उसको कहते हैं हम ये रेड फ्लैग है, ठीक है, इस पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फिजियोथेरेपी की कोई भी मोडालिटी. रेड फ्लैग में पेशेंट आते हैं कैंसर के, ठीक है, कैंसर जिनको हो उनको कोई भी मोडालिटी अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनके कैंसर के स्प्रेड होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, मेटास्टाइज कर जाते हैं कैंसर, ठीक है. और पता कैसे चल जाता है हमें, कोई भी पेशेंट आपके पास आए ना, आपको डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स को तो खुद पता होता है कि जी हमें, क्योंकि वो रेफर होके ही आ रहे होते हैं, ठीक है, कि हमें कैंसर है, हमें बोन कैंसर है, या हमें हमारी कोई किसी एरिया में कैंसर है. अगर नहीं पता तो जब आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, तो आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन करते हैं पेशेंट से उसके वेट लॉस के बारे में, क्योंकि हमारे पास साइंस होते हैं, ठीक है. अगर पेशेंट को नहीं भी पता, आप पेशेंट से पूछते हैं, पेशेंट बताते हैं आपको कि उसका सडन वेट लॉस स्टार्ट हो गया, उसकी डाइट ठीक है, उसका वेट लॉस स्टार्ट हो गया, उसकी बॉडी में सवेर एक और पेन स्टार्ट हो गए हैं सडनली, ठीक है, तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि जो सडन वेट लॉस है, सडन पेन्स है, और ये सारा जो उसकी हेल्थ एकदम डिट्योरेट करना स्टार्ट हो गई है, दिस मे बी अ पेशेंट ऑफ कैंसर. तो आप पहले उसको रेफर कर देते हो कि जाके अपना चेकअप कराए, जब वो क्लियर होता है तो फिर ही आप उसको ट्रीट करते हैं, अदरवाइज आप उसको ट्रीट नहीं करते, ठीक है. या फिर जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं, टीबी का पेशेंट है, उसको पता है कि मुझे बोन्स में टीबी है, पता चल जाता है, या मैं उसको लंग्स में टीबी है, तो वो पेशेंट आपको खुद भी बता देता है कि जी मुझे, और आप उससे पूछते हैं बकायदा जब आप उसकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं, कोई और मसला तो नहीं, ठीक है. इसीलिए तो हिस्ट्री टेकिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपको ये बाकी सारी चीजें किस तरह पता चलेंगे, कि अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है स्टार्टिंग के डे हैं, ठीक है, 2-3 मंथ्स तक नहीं पता चल रहा, अपने एब्डोमेन के एरिया में आप अल्ट्रासाउंड लगवाने आ गए, या आपके अपने लेजर है या अल्ट्रा वायलेट है, कोई भी है पेल्विस या एब्डोमेन के एरिया में, आप उससे पूछते हो, ठीक है, अगर वो चाइल्ड बेरिंग एज है उस वुमेन की तो आप उससे पूछते हो, मैरिड है आप, प्रेग्नेंट तो नहीं. अप्लाई करने से पहले आपने पूछना, पेशेंट खुद नहीं आपको बताएगा, पेशेंट को क्या पता कि मैंने ये मोडालिटी लगवानी है या नहीं लगवानी, ठीक है. तो हिस्ट्री से उसकी पेशेंट की से आपको पता चल जाता है उसकी कंडीशन का, कि उसको आप लगा सकते हैं कोई भी मोडालिटी या नहीं लगा सकता, ठीक है. यस मैम. लेजर शुड नॉट बी अप्लाइड ओवर द एरिया ऑफ कैंसरस ग्रोथ. लेजर एक्ट्स एज अ फोटो बायो स्टिमुलेटरी एजेंट. Its exposure to cancerous tissue can lead to acceleration of the growth and metastasis. ठीक है, क्योंकि cells को grow करवा रहा है laser, जो है एक stimulatory agent है, आपके cells की further growth करवाता है, तो इसीलिए आप cancerous area पे या cancerous tissues पे apply नहीं करते, cancers के patient में apply नहीं करते कि कहीं उनका जो है metastasize ना कर जाए cancer. Effect on pregnant uterus. Laser should not be applied directly over the pregnant uterus as it can cause the abnormal growth. Effect on infected tissue. When treated in contact with the infected tissue, the laser head needs to be cleaned thoroughly or sterilized. कोई patient के infected tissue है उस पे पहले तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको avoid करें कि contact ना हो, ना physiotherapist का अपना skin contact हो, ना ही किसी भी मोडालिटी का, किसी भी चीज के, अल्ट्रासाउंड के हेड का या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का, टेंस का, कोई करंट है, फेराडिक करंट्स हैं, उसके इलेक्ट्रोड्स हैं, लेजर है, उसका एप्लीकेटर है, किसी भी चीज के हेड का कांटेक्ट इन्फेक्टेड टिश्यू से ना हो. अगर हो गया है इन केस, तो फिर उसको आपने अच्छे से स्टेरिलाइज कर लेना है उसके हेड को, कि दूसरे पेशेंट पे
इन्फेक्शन ट्रांसफर ना करें. इट शुड बी प्रेफरेबली इंजंक्शन विद अल्ट्रावायलेट थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वाउंड्स. और इन्फेक्टेड वाउंड्स के लिए नंबर वन चॉइस जो होती है वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट थेरेपी होती है. हमने पिछले पहले जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पढ़ी है तो उसमें हमने देखा था कि इन्फेक्टेड वाउंड्स जो होते हैं उनके लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की थेरेपी इज द बेस्ट. ठीक है, तो वो हम प्रेफरेबली वो यूज करते हैं. हेमरेजिक एरियाज या कार्डियक कंडीशंस में क्या होता है, लेजर कैन कॉज वेजोडाइलेशन एंड हेंस केयर शुड बी टेकन व्हाइल एक्सपोजिंग एनी हेमरेजिक एरिया. कोई हेमरेजिक एरिया है, पहले ही वहां पे ब्लड लॉस हो रहा है, हेमरेज है, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है, अब मजीद लेजर जो है वो वेजोडाइलेशन करवा देगी, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, फर्दर जो है हेमरेजिक एरिया से ब्लड लॉस स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए आपने हेमरेजिक एरिया को अवॉइड करना है. अब हेमरेजिक एरिया सुपरफिशियल भी हो सकते हैं, डीप भी हो सकते हैं. सुपरफिशियल इस तरह के कोई वूंड है जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो आप वहां पे लेजर अप्लाई नहीं करेंगे अनलेस के वो ब्लीडिंग स्टॉप होके थोड़ा सा सबसाइड हो जाए उसकी ब्लीडिंग और वो ट्रीटेबल हो वूंड. ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेजिक है, तो आपने ट्रीट नहीं करना. सेकेंडली, हेमरेज अंदर भी हो सकते हैं, जैसे ब्रेन में हो जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि पेशेंट्स अक्सर आते हैं तो वो अपना CT या MRI वगैरह आपके पास लेके आते हैं, उनके पास अपनी रिपोर्ट्स अपनी फाइल्स होती हैं, तो उसमें से आप स्टडी कर लेते हैं कि पेशेंट जो है उसको ये तो हेमरेज का पेशेंट है, इसको तो ब्रेन में हेमरेज है, आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे हेड के एरिया में. ठीक है, या इसकी तो अभी अभी सर्जरी हुई है इसकी पेल्विस की, ठीक है, तो अभी बिल्कुल इसकी अभी सर्जरी हुई है तो कहीं इसके अंदर हेमरेज तो नहीं हो गया. कोई एक्सरे में हेमरेज शो हो जाते हैं, बाजुकात MRI में CT में हेमरेज शो हो जाते हैं, फिर आप इसी तरह उन पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते. पेशेंट ऑफ सर्टेन कार्डियक कंडीशंस आर अवॉइडेड द एक्सपोजर ऑफ लेजर थेरेपी अराउंड द कार्डियक रीजन. पेसमेकर है किसी पेशेंट के के हार्ट में, या फिर कोई इस तरह के कार्डियक पेशेंट्स हैं, टैकिपनिया है, अरिथमियाज हैं, तो आप उनको भी अवॉइड नहीं करते, ट्रीट नहीं करते इन चेस्ट एरिया. अदरवाइज उनकी पेल्विस में, उनकी लेग में, उनकी शोल्डर पे आप ट्रीट कर सकते हो. ठीक है, ये एक सिंपल सा एपरेटस दिखाया हुआ है इन्होंने लेजर का. होपफुली अगर हमारे पास प्रैक्टिकल्स हम करेंगे लेजर हुई तो हम जाहिर है जितने भी हमारे पास मोडालिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे हम सारों को सारे प्रैक्टिकल्स कर लेंगे. ये था आपका आज का लेक्चर अबाउट लेजर. इसमें हमने लेजर की डोजेज, उसके फिजियोलॉजिकल थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स और डेंजर्स देखे हैं. ठीक है, क्लियर है आज का लेक्चर सबको? यस मैम. यस मैम. मैम प्रैक्टिकल्स मिड के बाद है? जी बेटा, मिड्स के बाद ही रखेंगे. मैम मुझे नहीं लगता हमारी यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह के प्रैक्टिस मॉडलिटीज वगैरह पड़ी होंगी. बेटा मैंने पूछा था आपकी सीनियर, मेरी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने पहले इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ाया है, तो वो कह रहे थे कि काफी सारी मॉडलिटीज पढ़ी हैं. ठीक है, और अगर नहीं पढ़ी होंगी तो फिर उसका यही होता है कि जब आप लोग जाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आपकी रोटेशंस होती हैं, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप फिजियोथेरेपी वार्ड में लाजमी जाया करें, वहां पे देखा करें, वहां सारी मोडालिटीज होती हैं. मैम हमारी तो रोटेशंस ही नहीं हो रही. बेटा ये तो अब कोरोना को आप दुआएं दें ना, कोरोना की वजह से आप लोगों की रोटेशंस वगैरह नहीं हो रही हैं, अदरवाइज तो हो रही थी पहले. लेकिन अब ऑन कैंपस जब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो आप लोगों की रोटेशंस वगैरह भी आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा. ठीक है मैम, ये जो आपने सेप्टिक अल्सर का बोला था, ये इन्फेक्शन होता ना? बेटा वो पायोजेनिक, हाँ, अल्सर तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी वूंड में से जब ब्लीडिंग नहीं रुकती और वो ब्लीड कर रहा होता है और इन्फेक्ट हो जाता है वूंड, तो वो अल्सर बन जाता है. ठीक है, फिर एक सिंपल वूंड और अल्सर में डिफरेंस होता है कि वूंड जो है वो सिंपल ट्रीट हो जाता है, लेकिन अल्सर जो है उसकी ट्रीटमेंट फिर बहुत ज्यादा टाइम लेती है उसमें. और अल्सर्स आपके इंटरनल बनते हैं मोस्टली, जैसे कि बहुत सबसे ज्यादा कॉमन एब्डोमेन में अल्सर्स होते हैं, स्टमक में अल्सर्स होते हैं. ठीक है, स्टमक में हो जाते हैं अल्सर्स, जिसमें म्यूकस लेयर और फिर आपके स्टमक की जो लाइनिंग है, एपिथीलियम लाइनिंग, और वो सारी टॉर्न ऑफ हो जाती है और वहां पे अल्सर बन जाते हैं. ये तो बहुत कॉमन है स्टमक के अल्सर्स. ठीक है,
तो ये जो है अल्सर आप इन्फेक्टेड भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्टेड भी हो सकता है। स्टमक अल्सर आप इन्फेक्टेड नहीं होता, सिंपल अल्सर होता है, लेकिन अगर जो स्किन पे है या अंदर ही कोई किसी में गैंग्रीन स्टार्ट हो गया है, वहां पे फाउल स्मेलिंग स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब है वो इन्फेक्टेड है। ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपकी जो क्लास है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मेल भी कर दूंगी, ठीक है, कि ऑन कैंपस और ऑनलाइन दोनों हो जाएगी। ऑन कैंपस पर जो बच्चे कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हैं वो क्लास ले सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।